दोस्तों अगेन मैं आ चुका हूँ केटीएम मोती नगर में। भाई यहाँ पर बजाज चेतक की फर्स्ट डिलीवरी हो रही है इन दिल्ली। तो आज यहाँ पर जितने भी कस्टमर हैं उन सबका रिव्यू मैं करने वाला हूँ, उनका क्या एक्सपीरियंस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट, चलो अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा है भाई केक वेक, आ गया है, खा के जाएंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम केक को। यहाँ फोटो आ चुकी है और हमारे भाई भी है, इनकी डिलीवरी है। नाम बता दो भाई अपना। विक्की नाम भाई। विक्की भाई अपनी यहाँ पे चेतक की डिलीवरी ले रहे हैं। किसके साथ आए हो? मैं मेरे फादर के साथ हूँ, मेरे अंकल जी के साथ। ओके, मेरे अंकल आ गए। आ जाइए, आप भी आ जाइए। आपका नाम क्या है जी? जॉन। जॉन, his name is John. सर आपका? परवीन नाम है जी। ओके परवीन सर, आपका कौन सा स्कूटर है इनमें से? ये वाला है, आपके यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आइए आइए। तो यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है यहाँ पे बजाज चेतक की। चलो भाई केक भी खाते हैं। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं तो आया इसलिए हूँ। मैं केक के लिए आया था। लगाना या खिलाना? नहीं नहीं खिलाना है बस। थैंक यू भाई, केक तो स्वाद है, मजा आया। सो यहाँ पे तीनों वो अपने सब्सक्राइबर है, संदीप जी जो ब्लू में खड़े हुए हैं वो सब्सक्राइबर है अपने, और यहाँ पे भी अपने बंदे हैं। यहाँ पर जॉन सर बैठे हुए हैं और ये अंकल भी मिले हमें यहाँ पे, काफी एंटरटेनिंग है। फर्स्ट पर्सन है। ओके चलो चलो चलो। तो ये अपने संदीप सर हैं, इनका कमेंट ऑलरेडी आ गया था अपने चैनल पर। संदीप सर कैसा लग रहा है? हाय बढ़िया बढ़िया। आपका अभी लूंगा मैं रिव्यू, बाहर लूंगा आपका। ओके 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 ठीक है। ओके दोस्तों, वैसे तो ये आए हुए हैं यहाँ पे डिलीवरी लेने, बट सबकी नज़र केक पे। देखो चुपके से वो केक जा रहा वहाँ पे, चुप दिखा चुपके से वो केक इन्होंने छुपा दिया गया है। भाई मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा, बट इन्होंने बड़ी चालाकी से केक छुपा दिया है, बट मैं भी खा के ही जाऊँगा। ये यहाँ पे पूरी गैंग इकट्ठी हो गई है, फर्स्ट डिलीवरी कह सकते हो। सारे ओनर हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार चार स्कूटर दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, बहुत ही खुश है। तो दोस्तों ये हो गई बजाज चेतक की टीम। अंकल को कोई मतलब नहीं है, बीच में खड़े हैं पूरी फोटो के। ग्रेट, ये बंदे भी खुश। कैसा है अंकल केक? कैसा है? बढ़िया लग रहा है। स्कूटर कैसा है? वही आपके बोलने के बाद पापा ने ये लिया है। ठीक है, तरुण भाई ने 1.5 लाख रुपया खर्चा करवाया, लेकिन हाँ सबका करवाया है। देख रहे हो बजाज वालों, देख लो, देख रहे हो, देख रहे हो ना चैटर जी, देख रहे हो। हम भी इनका चैनल देख के तभी यहाँ पे आए हैं। ओके आप भी देख रहे हो सर जी? जरूर, क्यों नहीं देखेंगे। ओके ग्रेट ग्रेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपसे अच्छा और कोई नहीं बताता। आपके थैंक यू, आपकी तरफ से हम यहाँ पे आए। सर बोलते रहो, अच्छी लाइनें बोल रहे हो। नहीं नहीं अच्छी लाइनें नहीं सर, एक्चुअली हमें ना आदत पड़ गया। आप जब हम शॉप जाते हैं तो जैसे एक बार हमने यूट्यूब पर देखा तो फिर कंटिन्यू आते थे ना, 20 मिनट का एपिसोड है, 20 मिनट का एपिसोड है, वो देख के कंटिन्यू देखना शुरू कर दिया। ओके, अच्छा लगा। टाइम एक नई चीज है, एक नई शुरुआत है, बहुत बढ़िया। इससे पहले चलाया था आपने कोई? ये पहला होगा आपका? नहीं ये पहला, फर्स्ट टाइम आया हूं। इलेक्ट्रिक में पहला है आपका? हां जी, इलेक्ट्रिक में पहला। ओके वैसे मतलब आपके चैनल देखने के बाद ही फिर मैंने अभी मैं बात ही कर रहा था तो मैंने भैया से बात भी करी थी। ओके मैंने कहा जी हम तो यही देखते हैं कि आपने जो डिसाइड किया, आपने जो सारी का निचोड़ निकला, हम भी निचोड़ के बाद हम कहीं धक्के खाने नहीं। मतलब काम आया मेरा वीडियो। हां बिल्कुल, आपको धक्के नहीं खाने पड़े, धक्के नहीं खाने पड़े, यही मोटो था हमारा, इजी में पता लग जाए बंदों को आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पर हमने कहीं धक्के नहीं खाए, ना YouTube पे देखा ना कुछ किया। आपके व्यू से हमारी लकी डे है कि हम आज से डायरेक्ट मुलाकात भी हो गई। थैंक यू थैंक यू अंकल। अंकल बोल सकता हूं ना? हां अरे यार दोस्त बोलूं? नहीं दोस्त बोलो ज्यादा अच्छा है यार। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम कमल। कमल जी थैंक यू, बिल्कुल आपने हमारे चैनल की इतनी तारीफ करी है। अरे नहीं नहीं, जो हकदार है वो हकदार है। देखो आप भी अपनी जंग है इसमें, अच्छा कर रहा हूं ना, बहुत बढ़िया। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक्स। केक ओके है?
स्कूटर अभी बाहर देखते हैं कैसा है। क्योंकि अंकल नीचे उतार रहे हैं, सुबह हम पकड़ ले यार एक बार, थोड़ा खा ले। कैमरामैन सपोर्टिव है भाई हमारा। एक नंबर केक। तो दोस्तों ये है दिल्ली में होने वाली चीते की पहली डिलीवरी। अंकल जी पीछे आ रहे हैं इनका। ये अंकल जी कैसा लग रहा है? चलो भैया आपकी उससे बहुत ही अच्छा लगा बेटे मेरे को ये। ओके। एक नंबर से हमारे जॉन सर हैं, ये पहले हो गए हो। हाँ दिल्ली के पहले सर। ही इज द फर्स्ट पर्सन बजाज चेतक वाला जो इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ से अपना शोरूम से पहले बंदा इनका ही है दिल्ली का। हाँ मिस्टर परवीन। मेरे पे नाम पहले ही आ गया था कि मिस्टर परवीन जी होंगे पहले। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन आपको भी, जॉन सर को कांग्रेचुलेशन। ओके 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 आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बाय। ओके तो ये हमारा छोटा बाबू। बाबू क्या नाम है? लक्ष्य। लक्ष्य लक्ष्य चैनल देखते हैं? देखता है नहीं अभी देखता, अभी नहीं पता ना, अब देखेगा। ये तो सीधा ठीक है बजा। नहीं 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 सही बोल रहा है। ओके आप ये बताए ये किसकी पसंद थी? हाँ? किसकी पसंद थी स्कूटर? ये तो मामा जी की पसंद थी। मामा जी की पसंद थी। अब कौन कौन घूमेगा इस पे? मैं भी घूमूंगा, मामी भी घूमेंगे, मामा जी भी घूमेंगे, सब घूमेंगे। कितना क्यूट है ये। ओके चैनल जरूर देखियो ठीक है, तेरी वीडियो आएगी चैनल पे। बस वीडियो वीडियो देखूंगा। सब्सक्राइब नहीं करेगा ना? चार्जिंग। हाँ दोस्तों एक चीज जो पिछली वीडियो में लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि चार्जर यहाँ लगाने पर हमें सीट खोल के रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। चार्जर यहाँ पे हमने जब लगा देते हैं तो उसकी सीट जब आप बंद करोगे जब ही जाके ये ऑन होता है भाई, उससे पहले इसकी चार्जिंग ऑन नहीं होती है। यहाँ पे गैप होता है जिससे तार निकल के चार्ज पर लग जाता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी आपकी। सो फाइनली हमारे एक सब्सक्राइबर संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी थैंक यू आपका। सबसे पहले मुझे बताओ आपने एक्सपेक्ट करा था मैं आऊंगा नहीं आऊंगा? पता था नहीं, ये तो नहीं पता था कि आएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि आपको बुला रहे हैं कि मैं बार बार मैसेज कर रहा था। ओके आपका कमेंट ऑलरेडी आया हुआ था तो मैंने सोचा था छोटा सा सरप्राइज हो जाए, तो हुआ था नहीं हुआ था थोड़े सरप्राइज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो आप पूरे अपनी फैमिली के साथ हुए हैं, ये बताओ सबसे पहले कितना रोकड़ा लगा है इसमें? इसमें करीब 1,56,000 रुपए। 1,56,000 रुपए आपके लग गए। कुछ सब्सिडी का सीन बताया? नहीं बताया। सब्सिडी का सीन बताया है कि 2-3 महीने के अंदर आपके अकाउंट पे आ जाएगी। कितने रुपए? 14,800 या 14,000 के आसपास बताया है। ओके तो 1,56 का पड़ा ऑन रोड सब कुछ। इसमें नेट वगैरह भी कुछ? नेट इसमें मैंने 1,888 रुपए एक साल का उसके लिए है इन्होंने। ओके तो इसी साल का या अगले साल भी सेम ही होगा? नहीं नहीं अब वही तो अभी का है ना, इससे पहले तो फ्री था इनका। अच्छा इन्होंने अभी शुरू किया ना, इससे पहले तो पहले जो बैंगलोर फ्री था। ओके तो आप इसे पहले से फॉलो कर रहे हो? कब से मतलब इससे लॉन्च हुआ है? ये जब से कर रहा हूँ मैं, जब ये ना ये 1,08,000 रुपए का था। Okay. अभी 1,91,000 इतना बढ़िया लग रहा था मेरे को, मैं सोचा बैंगलोर से मंगा लूं। बिल्कुल बिल्कुल वहां से आते आते 1,50,000 का हो गया। बहुत ज्यादा। ओके तो आपको क्या अभी चला चलोगे? देख लिया नहीं? नहीं अभी ये तो नहीं चलाया, लेकिन इससे पहले चलाया बजाज ऑलरेडी चला चुका है। टेस्ट राइड चला के जब भी बुक कराया सर आपने भी चलाया होगा? ओके तो आप मतलब इसे किस लिए यूज करोगे, क्या पर्पस होगा आपका? बस थोड़ा सा ऐसे ही घर में बच्चों के लिए, अपने लिए, और मार्केट थोड़ा इधर उधर, और मैं ज्यादा कोई रन नहीं। अच्छा अगर रन होएगा भी तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, बहुत है। कोई दिक्कत नहीं। चलो मेन चीज बता दो क्या अच्छी लगी इसमें, क्यों लिया? इसके अंदर अच्छा क्या लगा? इसके अंदर एक तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक लगता ही नहीं है, पहली बात सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि इलेक्ट्रिक ना वो एक हल्की वाली क्वालिटी में माइंड में आता है, जैसे किसी को बोलेंगे ना कि मैंने बजाज चेतक लिया तो वो कहेगा कौन सा वाला, पुराने वाला? अरे नहीं भाई नया वाला। समझाना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट ये है। और इससे इसके अलावा कंसीडर कर रहा था? नहीं कर रहा था। नहीं नहीं बस चेतक पे ही अटका हुआ था वैसे तो मैं चेतक ही ले रहा था। हां तो चेतक में था पहले, हम यूं से भी गए थे, टीवी से भी गए थे पहले हम लोग। ओके और उसके बाद हम उसमें एथर में भी गए। एथर में मेरा मैन तो एथर में जाने का था। ओके पर ये का मैं इसको लेना है। मैं जब गए वहां पर की डाउन पेमेंट भी दे दो ये कर दो तो लेकिन बस नहीं मैंने चेतक ही लेना है। ओके ग्रेट। अब ये बताओ आप छोटा सा क्विज करते हैं ठीक है? रेडियो बिल्कुल ठीक है।
मोटर पावर बताओ कितनी? मोटर का चार किलो पावर की है। चार किलो वोल्ट, ठीक है। पहले कम थी, अभी इन्होंने बढ़ाई है इसको। इको मोड में रेंज कितनी होगी? 40-45 रेंज स्पीड? अच्छा रेंज वो 95 बोलते हैं, 90। ओके, एक्स शोरूम प्राइस कितना है? एक्स शोरूम प्राइस इसका 1,47,000 समथिंग है। आई थिंक इतना नहीं, मैं आई थिंक 1.5 लाख है शायद। 1,51 अराउंड, मैंने वेबसाइट पे देखा। 53 सॉरी 53, हां 1,53,000। ओके, बेस्ट ईवी चैनल ऑन YouTube? ईवी ज्ञान, करेक्ट आंसर। जीत गए आप, जीत गए। छोटे से क्विज़ का थैंक यू, सक्सेसफुली भी ना हो आप। ओके, तो ठीक है, अब आप मेरे को ये बता दो, आप इसे, वैसे तो आपने अभी ज्यादा चलाया नहीं है, फ्यूचर में डेफिनेटली आपके पास आऊंगा जाऊंगा मैं आपका रिव्यू लेने, जैसे आप 1,000 किलोमीटर 5,000-10,000 कर लोगे आपके पास आऊंगा जाऊंगा। एक्सपेक्टेशन क्या कि भाई, हाँ भाई ये इस चीज़ में मुझे धोखा कभी नहीं देगा? धोखा इसलिए मतलब ये है कि बजाज है। अच्छा, बस धोखा देगा ही नहीं, देगा ही नहीं। हाँ, बजाज है इसलिए नहीं देगा मेरे को, पर्सनली एटीएम पे भरोसा नहीं है बजाज। अच्छा। ग्रेट क्योंकि इनका भी एसी भी बंद हो चुका है। गजब बेइज्जती है। ये गलत चीज थी, मतलब चार डिलीवरी हो रही है, इसके लिए डाउन करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट देख लो, मैनेजमेंट। ओके ठीक है, ब्लैक कलर क्यों और नहीं, यही ब्लैक कलर मेरे को ना, एक हल्दी नट्स इसका एक कलर था जो थोड़ा गोल्डन था। हाँ। वो मेरे को पहले से था, ठीक है, तो मैंने सेव कर रखा था, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं ब्लैक। ओके, फिर लड़की है मेरी एक, वो भी नहीं ब्लैक, तो ब्लैक भी अटक गया मेरा उसको। और एक्चुअली क्या, रेड ना, रेड मेरे को बहुत प्यार लग रहा है। ओके, रेड दिखा दो शुभम एक बार। तो रेड मेरे को बहुत प्यार लग रहा है, लेकिन मेरे पास इससे पहले एसएस थी, तो वो भी रेड था, तो उसको इसलिए मैंने थोड़ा सा हटा दिया। रेड तो है ही है, और इनके चक्कर में, इस बजाज के चक्कर में मैंने ना करीब 13 महीने पहले अपना एक्सेस बेच दिया कि अब आएगा। 1.5 साल से बिना स्कूटर के हूँ। ये देखो, ग्रेट। और ठीक है संदीप जी, और बताइए क्या आपको अच्छा लगता है इस स्कूटर में? बस एक रेट्रो फिनिश और काफी क्लासिक समझ लो, बहुत मतलब वर्थ इट लगता है 1.5 लाख का, जैसे पहले तो 1 लाख का नहीं, थोड़ा सा है, मैं ये समझ लीजिए कम से कम इसके 1,15,000-1,20,000 तक तो होना चाहिए, 1,20,000 बस इतना ही होना चाहिए। और दूसरा, अगर 1.5 लाख है ना, तो इसके अंदर इसकी कम से कम 120 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए, अगर 1.5 लाख का है तो। हाँ, थोड़ा मेरा भी है, ये कम से कम 20 किलोमीटर और मिलना चाहिए, 20-25 किलोमीटर इसको और मिलना चाहिए, 90 समथिंग दे देता है। हाँ, इसके अंदर मैंने एक चीज देखी है, इन्होंने ना इनके जो पैनल है, जो भी इनका वो है पोर्टल, उस पर सब पे लिखा हुआ है 90 ही है। अच्छा, ये इसका है कि मतलब 2-4-5 इधर चलेगा, अभी न्यू बैटरी है, थोड़ा कम होगा, कम होएगा फ्यूचर में, थोड़ा हाँ कम होएगा, लेकिन ये है कि जो इन्होंने कहा है ना वो उसको किया है। ओके सर, ओके ठीक है, अभी धूप हो रही है, मैं आपको ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा नहीं, ठीक है। ये थे हमारे संदीप जी सब्सक्राइबर थे, कंग्रेचुलेशन अगेन। केक में खा लिया आपने? बिल्कुल, केक कोल्ड ड्रिंक हमने खा लिया। चलो, मैं सोचा था भैया के लिए कुछ लोग लेके, लेकिन भैया से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा था। अरे कोई बात नहीं, मिलनी है, वही बड़ी बात है, इतना अच्छा इंटरेक्शन हो गया हमारा। तो दोस्तों, ये थे हमारे संदीप जी, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। इसी तरह की वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो।